चोपड़ा जी, प्रधान सेवक बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर, बहुत बहुत बधाई पूरे देश की ओर से सर। आपको गोल्ड मेडल के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए आपने जिस प्रकार से जी आज पूरे देश को सर गौरव करने का मौका दिया है, जी सर, जी सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप लौट करके देश में आइए, आपके लिए लोग किस प्रकार से पलके बिछाएंगे, धन्यवाद, ये आप देखिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। नीरज जी, मैं शुरुआत से ही देख रहा था जिस प्रकार आप जोश से लबालब होकर के भाला फेंक रहे थे, सर, मुझे सर, ये देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ सर, कि किस प्रकार से एक खिलाड़ी में जोश भरा हुआ है सर, और किस प्रकार से देशभक्ति की भावनाएं भरी हुई है सर, मैं ये कहना, और मुझे गर्व भी हुआ जब आपने देश को एक गोल्ड मेडल दिया और देश का सीना चौड़ा कर दिया। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, नीरज जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भैया एक बार जी भारत में लौट करके आइए, मिल करके साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे और आम भी खाएंगे। जी सर, जी सर, लेकिन मैं सर ये कह रहा जी, आपने जो कार्य किया है आपको बोलने का ही नहीं जी सर, आपको अपनी बातें रखने का भी मौका मिलेगा, बिल्कुल, और देश में आकर के आप युवाओं को प्रेरित भी करिएगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आज तो आपका दिन है भैया, आप ही बोलेंगे। जी जी सर, हम कहाँ बोलने वाले हैं सर, वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नीरज जी आपने जो कार्य किया है, यकीन मानिए आपने जो कार्य किया है, आपने जिस प्रकार से भाला फेंका है, पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था। जी जी बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने जितनी दूर फेंका ना भाला, वो फेंकने की प्रेरणा सर आपसे ही मिली मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप एक बार भारत आइए, देखते हैं।